हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। आज हम बात करेंगे लाइफ में जो कुछ होता है कुछ अच्छा के लिए ही होता है। अगर आप ये पेंडेमिक सिचुएशन में जॉबलेस हो या कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा है और आप स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो और जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें परेशानी या लाइफ में डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ में एक चीज़ याद रखना, मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है बट मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आइए मैं आप एक ऐसा इंसान की स्टडी बताऊंगा, उसमें आपको लाइफ में आगे जाने के लिए एक नया एनर्जी मिलेगा। एक टाइम का बात है, यूएस में एक बंदा था, वो जॉबलेस था। तो उन्होंने एक आर देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑफिस बॉय का नौकरी था। तो उन्होंने वो पोस्ट के लिए अप्लाई किया और इंटरव्यू देने के लिए गए। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो HR एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिए और उसको एक टास्क दिए एक शॉप फ्लोर को साफ करने के लिए। तो उन्होंने बढ़िया तरीके से सफाई किया। सफाई करने के बाद वो सब काम उसको HR को अच्छा लगा, तो उन्होंने उसको सिलेक्टेड किया और बताया यू आर सिलेक्टेड। उसके बाद उन्होंने बोले मैं आपके ईमेल आईडी में कुछ डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, आप उसको फिलअप करके सेंड कर देना। तो ये सुनने के बाद बताया कि मेरे पास ना कोई लैपटॉप है ना कोई ईमेल आईडी है जो मैं इसको करके दे सकूं आप लोग को। तो ये सुनने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का जो HR एग्जीक्यूटिव ने थे, उन्होंने बोले अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप हमारे कंपनी के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो आपको हम हायर नहीं कर सकते, दैट्स वाई यू आर डिसक्वालिफाइड। तो ये सुनने के बाद वो थोड़ा दुखी हो गया। तो उसके बाद ऑफिस से बाहर निकला तो देखा कि उसके पास ओनली $10 ही था, जो उसका खर्चा के लिए था वही है। अगर वो खर्चा करने के बाद उसके पास खाने पीने के कुछ नहीं था पैसा, और ना उसको फैमिली को मेंटेन करने के लिए पैसा था। फिर उन्होंने सोचने के बाद कुछ टाइम सोचा तो उसके बाद सुपर मार्केट गया, वहाँ पर ₹10 दे के कुछ टमाटर खरीद लिए। वो टमाटर को डोर टू डोर बेचना चालू किया, बिफोर 2 आवर्स सारे टमाटर बेच गए और उसके पास $20 हो गया था। तो देखा कि सैलरी जो मनी था डबल हो गया। तो ऐसा वो 3 बार किया, तो फिर बेचा तो उसके पास उसी दिन एंड में $60 था। तो ये सोचा कि इसी तरह उस अपना लाइफ और उसका फैमिली लाइफ को आगे ले सकता है। ऐसे वो करता रहा टाइम टू टाइम, वो डेली नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वो ऐसे ही सुपर मार्केट गया, वेजिटेबल खरीदा, फिर बेचा डोर टू डोर, उसका मनी डबल ट्रिपल होता रहा। उसके बाद वो एक ट्रक खरीदा, होम डिलीवरी किया, उसके बाद वेजिटेबल का सेंटर खरीदा, सेंटर बनाया, वहाँ वेजिटेबल बेचना चालू किया। तो उसका ऐसे बिजनेस ग्रोथ हुआ US मार्केट में। बिटवीन 5 ईयर्स US मार्केट में वो नंबर 1 वेजिटेबल सेलर बन गए। तो उसके बाद वो फ्यूचर प्लान किया, लाइफ इंश्योरेंस बनाएगा उसका फैमिली के लिए। तो इंश्योरेंस ब्रोकर को बुलाया गया। जब इंश्योरेंस ब्रोकर आया और उसके साथ प्लान जैसे डिस्कस होता है, डिस्कस होने के बाद सिलेक्टेड हो गया। उसके बाद वो प्लान जो भरते ना, जैसे एक फॉर्म ईमेल आईडी आता है, वो ऑप्शन आया। तो इन्होंने पूछा सर आपका ईमेल आईडी बताइए। तो ये बोला कि मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं। तो ये सुनने के बाद वो बताया जब आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, आप इतना बड़ा बिजनेस मैन हो, तो आपके पास ईमेल आईडी होता तो आप कितना और ग्रोथ कर सकते हो। तो वो थोड़ा मुस्कुराया ये बात सुनने के बाद। कुछ टाइम के बाद, कुछ समय वो साइलेंट होने के बाद बताया, अगर मेरे पास मेल आईडी होता तो आज मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक ऑफिस बॉय का नौकरी कर रहा था। तो आप सोचिए लाइफ में जो कुछ होता है कुछ अच्छाई के लिए ही होता है, और वो प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी को हमें ढूंढना होता है। भगवान को हमें ये नहीं मांगना हमें प्रॉब्लम मत दो, भगवान से हमें ये प्रार्थना करना है हमें प्रॉब्लम से फेस करने के लिए पावर दो, ताकि हम ग्रो कर सकते। अगर लाइफ का इंसान में जैसे इसी जो होता है ना, वो जब सीधा चलता है तो लाइफ आदमी का लाइफ डेट हो जाता है, और जैसे इंसान का लाइफ में अगर प्रॉब्लम नहीं होगा वो इंसान आगे नहीं ग्रो कर सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग आपका कुछ एक्टिविटी कर रहे हो इस तरह कुछ सक्सेस नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए परेशानी नहीं होना है, आपके लिए कुछ बेटर है, बेटर ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा, उससे ढूंढना पड़ेगा, ना कि डिस्टर्ब होना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।